Hello friends, my name is Mohammad Qasim and welcome to the Smart Coaching. दोस्तों आज हम आपके लिए MS Word का इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे MS Word में होम मेन्यू के तमाम ऑप्शंस और कमांड की स्टडी करेंगे और साथ ही साथ इसको इम्प्लीमेंट करके इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो पर फोकस करिएगा और इसको समझिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एमएस वर्ड बहुत ही इजी है इसको समझना। सबसे पहले होम मेन्यू में ये जो आपके पास रिबन शो हो रहा है इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शन कमांड्स मौजूद है। सबसे पहले इसमें यहाँ ये जो बी लिखा हुआ है ये बोल्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर आपने किसी वर्ड को बोल्ड करना है, डार्क लिखना है, तो आपने उस वर्ड को सिलेक्ट करके बोल्ड पे बी पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास वो वर्ड बोल्ड हो जाएगा। दोस्तों साथ ही इसके इटैलिक के नाम से ये कमांड पड़ी है। दोस्तों आप किसी भी वर्ड को थोड़ा सा एंगल पे या इंक्लाइंड लिखना चाह रहे हैं, अटैलिक लिखना चाह रहे हैं, तो आप उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और साथ इस आई पे क्लिक करेंगे तो वो चीज अटैलिक फॉर्म में आ जाएगी। दोस्तों अटैलिक के साथ नेक्स्ट जो कमांड है वो अंडरलाइन की कमांड है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी वर्ड के नीचे लाइन लगानी है, उस वर्ड को या लाइन को आपने अंडरलाइन करना है, तो आप उस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और आप इस व्यू पे क्लिक करेंगे, इस तरह आपकी वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। दोस्तों इसके साथ अगर आप एक टी कमांड्स के ऊपर देखें तो इस बॉक्स में इस पे क्लिक करने से आपके पास ये लिस्ट पूरी शो हो जाती है जहां से आप अपनी मर्जी का फॉन्ट स्टाइल या शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप यहां से वो सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके साथ ये एक और बॉक्स है, इस पे क्लिक करने से आपके पास एक लिस्ट नंबर ऑफ नंबर्स की एक लिस्ट शो होती है। इससे आप फॉन्ट साइज को कम या ज्यादा कर सकते। दोस्तों आप डायरेक्ट इस पे भी क्लिक करने से आप इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं और साथ इस पे क्लिक करने से फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने किसी भी लाइन वर्ड को हाईलाइट करना है तो आप इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आपने किसी भी वर्ड के पैराग्राफ कलर चेंज करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ ये जो चार कमांड पड़ी है ये आपके पास पेज अलाइनमेंट की कमांड है। अगर आप पेज को लेफ्ट साइड से इक्वल रखना चाह रहे हैं तो आप उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो आपका वो पैराग्राफ लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये जो सेंटर में है जस्टिफाई सेंटर की कमांड है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो पैराग्राफ है बिल्कुल पेज के सेंटर में अलाइन हो तो आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। साथ ही साथ अगर आप राइट अलाइनमेंट चाहते हैं तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और राइट इस पे क्लिक करें तो वो पैराग्राफ आपकी राइट अलाइनमेंट आ जाएगी। अगर आप कहते हैं कि दोनों तरफ इंडेंट या डिस्टेंस पेज के दोनों तरफ से लेफ्ट से और राइट से इक्वल हो तो आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो अलाइनमेंट हो जाएगा बोथ साइड से। दोस्तों इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये बुलेट्स की कमांड है। अगर आपने किसी चीज की नंबरिंग करनी है, लाइंस है 1, 2, 3 या बुलेट फॉर्म में, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी उसको शो कर सकते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको कोई भी शेप दे सकते। अगर दोस्तों आपने कोई नंबरिंग करनी है तो इसी बुलेट्स के कमांड के साथ ये जो नंबरिंग वाली कमांड लाइब्रेरी बड़ी हुई है यहाँ पे क्लिक करने से आप उस लाइंस को नंबरिंग भी कर सकते हैं।
उसको ए बी सी भी अल्फाबेटिकली भी लिख सकते हैं और उसको रोमन में भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ अगर आप देखें तो ये हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। अगर आप अपनी मर्जी का स्पेस या डिस्टेंस दो लाइंस के दरमियान या दो पैराग्राफ्स के दरमियान में सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसे अपनी मर्जी की वैल्यू दे देंगे। दोस्तों इसी तरह बाकी ये स्टाइल्स है जो हम बाद में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एक पैराग्राफ की तरफ जो हम आपको इसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। मैं पैराग्राफ लेता हूँ। दोस्तों ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया, ये दोबारा यहीं से शुरू करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर मैंने फॉन्ट शेप चेंज करनी है तो मैं सबसे पहले जिस पैराग्राफ जिस वर्ड की मैंने शेप चेंज करनी है उसको माउस की मदद से सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे होगा दोस्तों मैं अपनी मर्जी का कोई भी साइज आप ले सकते हो। देखो जैसे जैसे मैं नीचे आता जा रहा हूँ साइज खुद बहुत चेंज होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इनमें से अपनी मर्जी का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए ये वाला स्टाइल का तो दोस्तों इस तरह आप फॉर्म स्टाइल या शेप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इसका साइज बढ़ाना है तो आप उसी तरह माउस की मदद से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कोई ना कोई वैल्यू दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 16 कह देता हूँ। इस तरह आपका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर आपने किसी एक वर्ड को बोल्ड करना है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस टू लाइंस को बोल्ड लिखना है तो माउस की मदद से मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ बोल्ड पे क्लिक किया तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने नेक्स्ट फॉर एग्जांपल इटैलिक फॉर्म में कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे इसी तरह माउस की मदद से और इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जैसे मैं इटैलिक पे क्लिक करूंगा थोड़ा सा इनक्लाइन राइटिंग हो जाएगी। दोस्तों साथ ही साथ अगर आपने किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है पैराग्राफ के अंदर या पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है तो आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अंडरलाइन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पैराग्राफ में से इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसको अंडरलाइन। तो दोस्तों जैसे मैंने सिलेक्ट करके यू पे क्लिक किया तो मेरे पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स अंडरलाइन हो गया। दोस्तों इसी के साथ अगर मैंने किसी पैराग्राफ का कलर चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने इनका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट करके ओके कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू कर देता हूँ तो ये आपके पास फॉन्ट का कलर चेंज हो गया है। दोस्तों अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक वर्ड को हाईलाइट करना है किसी लाइन को आप हाईलाइट करना है तो आप उसके लिए उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से हाईलाइट में जाके अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये हो गया तो आप इस तरह हाईलाइटर भी इस्तेमाल कर सकते। दोस्तों अगर आप चाहें कि आपकी जो आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट अलाइनमेंट हो तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। देखेंगे मेरे पैराग्राफ को सिलेक्ट की, यहाँ ये ऑलरेडी लेफ्ट पे है तो मैंने दोबारा लेफ्ट पे कर दिया। अगर आप कहते हैं ये सेंटर पे हो तो आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए जैसे सेंटर पे क्लिक किया तो आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल सेंटर में आ गई। अगर आप कहते हैं कि ये राइट अलाइनमेंट हो तो
आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए तो ये साथ ही साथ सारी सारी लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट होगी और लेफ्ट से ये इनेबल होगी। अगर आप कहते हैं दोनों तरफ जो आपके अलाइनमेंट है उसे तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों तरफ पेज के दोनों एंड पे डिस्टेंस सेम। दोस्तों इसी तरह अगर आप चाहें कि इस लाइन और इस लाइन के दरमियान फासला स्पेसिंग ज्यादा होनी चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ ये स्पेसिंग की कमांड पे क्लिक करता हूँ और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाऊंगा आपकी स्पेसिंग बढ़ती जाएगी और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने किसी चीज को नंबरिंग करनी है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ कोई भी तरह इसको मैंने बुलेट्स लगाने हैं तो बुलेट्स बनाऊंगा और यहाँ से क्लिक करूँगा तो इस पे देखिए दोस्तों जहाँ जहाँ भी पैराग्राफ ऐड हो रहा है वहाँ पर बुलेट्स लग चुकी है। अगर दोस्तों आपने बुलेट्स की जगह कोई सर्कल लगाना है सर्कल अगर आपने साथ ही स्केल टाइप लगाना है तो वो भी लग जाएगा। साथ ही आप यहाँ से ये शेप भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर कौन ही बुलेट इस्तेमाल होती है बुलेट दोस्तों इसी तरह अगर आपने नंबरिंग करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ नंबरिंग हो जाएगी यहाँ से कोई भी नंबर आप इसको दे सकते हैं। देखें जहाँ जहाँ पैराग्राफ ऐड हो रहा है वहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी एमएस वर्ल्ड के होम मेन्यू के बारे में जिसमें हमने स्टडी की उसके मेन कमांड्स को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।